नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल का एक और नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक Facebook यूजर है और आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो आज की इस वीडियो पूरा देखिए। अगर आप एक Facebook यूजर है और आपने Facebook में फोटो वगैरह पोस्ट करते हो तो आज की इस ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका Facebook अकाउंट में काफ़ी बढ़िया लुक देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताया था वो ट्रिक क्या है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग दे तो ही आप ट्रिक को मतलब यहाँ पर आप यूज़ करना पड़ना कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक यूज़र है तो आप ट्रिक को देखो, ट्रिक को यूज़ करो भाई। अगर फेसबुक यूज़र है तो आपको सारे ट्रिक मतलब समझ लेना और या फिर सारे ट्रिक जान लेना अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा आप अपने फेसबुक अकाउंट में कुछ इस तरह से आप कोई भी फोटो को मतलब कुछ इस तरह कैसे मतलब पेंट कर सकते हो, मतलब आपका प्रोफाइल में कैसे पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताया तो पिन करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आपने कोई फोटो को पिन करेंगे तो वो फोटो कुछ इस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट में सबसे पहले कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, वो जो फोटो है ना, वो फोटो मेरा फ़ोन से मतलब मेरा अकाउंट में 25 अक्टूबर 2020 मतलब आज से 4-5 मंथ कम से कम 5-6 मंथ पहले अपलोड किया था, लेकिन वो फोटो मेरा फेसबुक अकाउंट में सबसे पहले शो हो रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए, आज से 3 दिन पहले मेरा प्रोफाइल में एक फ़ोटो अपलोड किया था, लेकिन वो फोटो जो है ना, वो फोटो आप यहाँ पर वो फोटो का नीचे कुछ इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी फोटो दिखा देता हूँ। देखिए मेरा जो जितने भी पोस्ट है वो देखिए, वो जो फोटो है ना, मैं बहुत कुछ दिन पहले अपलोड किया था, वो फोटो मतलब उसका नीचे आ रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वो फोटो आ रहा है, ठीक है। और भाई मैं जब भी मतलब कोई भी फोटो पोस्ट करूँगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। दोस्तों देखिए, मैं कोई भी फोटो कुछ इस तरह पोस्ट करूँगा तो वो जो फोटो है ना, वो फोटो मतलब वो पिंट फोटो का नीचे ही कुछ इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पिंट फोटो शो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको भी मतलब पता नहीं है कि आप अपने फेसबुक में कोई भी फोटो प्रिंट कैसे करें तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा प्रोफाइल में कोई भी पोस्ट अभी भी प्रिंट नहीं है। मैं आपको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, देखिए भाई मेरा प्रोफाइल में कोई भी पोस्ट में प्रिंट नहीं किया। वो जो पोस्ट है मैंने 3 दिन पहले वो पोस्ट किया था मेरे फेसबुक अकाउंट में, और यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई भी पोस्ट प्रिंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट में किसी भी फोटो को प्रिंट करने का आपका प्रो में यहाँ पर सबसे पहले शो करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको आपका फोन का कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली बिया ब्राउजर यूज़, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने का सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा फेसबुक लिखकर। आप लोग जैसे ही फेसबुक लिखकर मतलब सर्च करेंगे, आपको फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप लोग जो अकाउंट का मतलब जिस अकाउंट का फोटो को मतलब जिस अकाउंट का पोस्ट को पिन करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल में पिन करना चाहते हैं, इस अकाउंट को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैं अकाउंट को ओपन कर लिया, मेरे अकाउंट को ओपन कर लिया। ओपन करने का सबसे पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट किया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए वही 3 दिन पहले जब मतलब 3 दिन पहले जो पोस्ट किया था वही पोस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर एक 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली बस 3 लाइन में क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप सेट का, तो आपको सिंपली बस डेस्कटॉप सेट ओपन कर लेना होगा, ठीक है। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आपको क्रोम ब्राउज़र में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर यहाँ पर एक फेसबुक का यहाँ पर आपको एक फेसबुक का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए m.facebook.com यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरह से m को रिमूव कर सिंपली यहाँ पर आपको वेब टाइप कर लेना होगा कुछ इस तरह से। तो आप लोग जैसे कुछ इस तरह से वेब टाइप करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट कुछ इस तरह से कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको कुछ इस तरह से web.facebook.com ओपन कर लेना होगा कुछ इस तरह से, या फिर www.facebook.com ओपन कर लेना होगा, ठीक है। आप लोग जैसे आपका मतलब कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट का सबसे पहले आपका प्रोफाइल ओपन कर लेना होगा। सिंपली आप अपना प्रोफाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका प्रोफाइल का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको सिंपली आपका प्रोफाइल का लोगो में यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से डेस्कटॉप की तरह ओपन कर लेना होगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपको डेस्कटॉप से ओपन करना कंपलसरी है, आप डेस्कटॉप से ओपन कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका मतलब अपने अकाउंट में जितनी भी फोटो अपलोड किया है ना, वो सारे फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मेरे सारे फोटो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होगा मतलब हो गया। तो आप भी अपना जो फोटो मतलब सारे फोटो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो आप अपना जो फोटो मतलब जिस फोटो को आप प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं, इस फोटो को आप सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने एक फोटो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, कौन सा फोटो करूँगा मैं देख लेता हूँ, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर आप भी कोई भी मतलब एक फोटो देख लेना। हाँ दोस्तों आपको डेस्कटॉप से ओपन कर लेना होगा, अगर आप डेस्कटॉप से ओपन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट में वो पोस्ट ना भी हो सकते। दोस्तों देखिए मैं मतलब इस फोटो को मेरा प्रोफाइल में ऐड करके दिखा दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस पोस्ट मतलब 25 अक्टूबर 2020 में वो पोस्ट हुआ था, आज से कम से कम पाँच छः मास पहले वो पोस्ट अपलोड किया गया था, मतलब वो पोस्ट मेरा प्रोफाइल में ऐड करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए उस पोस्ट का यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक थ्री लाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ थ्री लाइन में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे थ्री लाइन में क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे पहले पिन पोस्ट, तो आपको सिंपली यहाँ पिन पोस्ट में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे पिन पोस्ट में क्लिक करेंगे आपका जो वो फोटो है ना, वो फोटो आपका मतलब यहाँ पर आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका प्रोफाइल में शो होने लगेगा, मतलब आपका प्रोफाइल में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं फेसबुक में आ गया और यहाँ पर अभी तक ऐड नहीं हुआ। मैं जैसे एक बार रिप्लेस करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा जो वो फोटो है ना, वो फोटो कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 25 अक्टूबर को मेरा मतलब इस फोटो पोस्ट किया था, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर जितने भी मतलब फोटो कुछ इस तरह से मैं पोस्ट करूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं जितने भी फोटो कुछ इस तरह से पोस्ट करूँगा वो मतलब वो जो फोटो है ना, मतलब मेरा जो पिन फोटो है ना, पिन फोटो का नीचे से मतलब देखिए पिन फोटो सबसे पहले, मतलब मैं जो फोटो को पिन किया है वो फोटो सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद मतलब कोई भी फोटो आएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से आपका किसी भी फेसबुक का फोटो को पिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट को मतलब अनपिन करना, मतलब इस पोस्ट को आपका प्रोफाइल में ना शो हो, मतलब प्रोफाइल में शो ना हो, तो उसके लिए आपको सिंपली आ जाना होगा फिर से ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद सेम मतलब कुछ इस तरह से डेस्कटॉप से ओपन करके आपका प्रोफाइल ओपन कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका पोस्ट शो हो जाएगा, तो आपको सिंपली एक बार थ्री लाइन में क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको अनपिन में क्लिक करके सिंपली आपको सिंपली मतलब वो जो पोस्ट ना, पोस्ट आपका प्रोफाइल से अनपिन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से आपका प्रोफाइल से वो पोस्ट अनपिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फेसबुक का लाइव से दिखा देता हूँ, वो जो देखिए मैं जैसे रिप्लेस करूँगा वो जो पोस्ट है ना, पोस्ट कुछ इस तरह से प्रोफाइल से अनपिन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से वो मतलब पोस्ट को अपना प्रोफाइल से अनपिन भी कर सकते हो। सो आज के वीडियो इतने ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और ऐसे टेक्नोलॉजी से और भी वीडियो देखने के लिए आपका दिल चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं आप हमारा वीडियो देखकर काम चला सकते हैं। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलती हूँ और एक अगले नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।